गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके. सो नाउ लुक नेक्स्ट वन. व्हाट हैव ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश. ब्रिक्स को कैसे हॉट गर्म करते हैं वो है. सो लुक दिस. गणेश एंड साइबा लिव नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड. गणेश और साइबा वो दोनों कहाँ पे रहते हैं? नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पे जो ब्रिक्स बनती है वहाँ पे वो नियर उसके पास वो रहते हैं. ओके, देन आफ्टर हियर वन क्वेश्चन हैव. कैन यू गैस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? इज इट? सो लुक इन दिस पिक्चर. हियर इन पिक्चर यू कैन सी द चिमनी. ये जो चिमनी दिखाए उसके अंदर क्या करते हैं? जो ब्रिक्स बना के उसको वहाँ पे गर्म करते हैं, हॉट करते हैं. ओके, सो दिस चिमनी. हियर क्वेश्चन हैव. कैन यू गैस हाउ हाई? ये चिमनी की हाइट कितनी है, क्या आप गैस कर सकते हैं? सो हियर थ्री ऑप्शन गिवन. अबाउट 5 meters, अबाउट 15 meters और अबाउट 50 meters. ओके, सो यू कैन गैस. हाँ, विच इज द राइट आंसर? ए, बी और सी? 5 meter होगी, 15 meter या 50 meter? हाँ, यस, इट्स हाइट इज अबाउट 50 meters, 5050. ओके, सो वी टेक दिस 50 meter. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके. सो नाउ लुक नेक्स्ट वन. व्हाट हैव ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश. ब्रिक्स को कैसे हॉट गर्म करते हैं वो है. सो लुक दिस. गणेश एंड साइबा लिव नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड. गणेश और साइबा वो दोनों कहाँ पे रहते हैं? नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड, जहाँ पे जो ब्रिक्स बनती है वहाँ पे वो नियर उसके पास वो रहते हैं. ओके, देन आफ्टर हियर वन क्वेश्चन हैव. कैन यू गैस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? इज इट? सो लुक इन दिस पिक्चर. हियर इन पिक्चर यू कैन सी द चिमनी. ये जो चिमनी दिखाए उसके अंदर क्या करते हैं? जो ब्रिक्स बना के उसको वहाँ पे गर्म करते हैं, हॉट करते हैं. ओके, सो दिस चिमनी. हियर क्वेश्चन हैव. कैन यू गैस हाउ हाई? ये चिमनी की हाइट कितनी है, क्या आप गैस कर सकते हैं? सो हियर थ्री ऑप्शन गिवन. अबाउट 5 meters, अबाउट 15 meters और अबाउट 50 meters. ओके, सो यू कैन गैस. हाँ, विच इज़ द राइट आंसर? ए, बी और सी? 5 meter होगी, 15 meter या 50 meter? हाँ, यस, इट्स हाइट इज अबाउट 50 meters, 5050. ओके, सो वी टेक दिस 50 meter. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. व्हाट हैव लुक इट. गणेश एंड साइबा लव टू लुक at the pattern of bricks in the long long lines kept out to dry. जो ऐसे लाइन में ब्रिक्स को ड्राई करने के लिए रखते वो देखना गणेश और साइबा को बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो लुक दिस टाइप ऑफ हियर ब्रिक्स हैव देन इन अ लॉन्ग लॉन्ग लाइन. ओके, सो गणेश एंड साइबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स. यहाँ पे जो डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न बनती है वो देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है. दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, और वो दोनों
ये भी देखते हैं कि ब्रिक्स है वो कैसे बनाते हैं. ओके देन आफ्टर नेक्स्ट हियर लुक, हियर आर फोर पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक क्लीन. दिस पिक्चर्स आर जम्बल अप, लुक एट देम केयरफुली. ओके सो हियर ए बी सी एंड डी फोर पिक्चर्स गिवन. सो लुक इट केयरफुली, जम्बल अप एंड लुक इट केयरफुली. ओके देन आफ्टर राइट द करेक्ट ऑर्डर. तो ये जो ब्रिक्स कैसे बनाते उसको हमें अरेंज करना है वो पिक्चर देख के, कि कैसे वो फर्स्ट वो क्या करते हैं, देन आफ्टर दे व्हाट डू. ओके सो यू ऑल लुक इट केयरफुली एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर विच वन इज फर्स्ट टू. ओके सो ए बी सी एंड डी. तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, अगर हमें ब्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले तो क्ले चाहिए. ओके सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ऑल कलेक्ट अ क्ले. ओके सो दिस वन इज द फर्स्ट सी वन. ओके देन आफ्टर व्हाट डू लुक इन दिस पिक्चर, मेकिंग अ ब्रिक, ये ब्रिक बनाता है, दिखता है. ओके देन आफ्टर नेक्स्ट व्हाट डू लुक हियर, दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स पुट इन अ लाइन. ओके तो ब्रिक्स बनाने के बाद वो ऐसे लाइन में उसको लाइन बनाता है, मेक अ लाइन. ओके देन आफ्टर दिस वन इज द लास्ट, एक के ऊपर एक जो ब्रिक्स रख के इस तरह से डिफरेंट वो पैटर्न्स बनाते हैं, जो ब्रिक्स अरेंज करते हैं एंड लॉन्ग लाइंस वो बनाते हैं. ओके सो विच इज द करेक्ट ऑर्डर, हाँ फर्स्ट वन विच हैव, यस दिस वन सी, देन सेकंड डी, देन आफ्टर बी एंड लास्ट वन इज ए. सो वी हैव टू राइटिंग हियर फर्स्ट, फर्स्ट वन इज सी, देन डी, देन बी एंड लास्ट वन इज ए. ओके सो इट इज द करेक्ट ऑर्डर दैट हाउ टू मेक दे आर मेकिंग ब्रिक्स. ओके देन आफ्टर एट नाउ टुडे नेक्स्ट वन व्हाट हैव ब्रिक्स स्कीम. ब्रिक्स स्कीम, ब्रिक्स स्कीम क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स बनती है. ओके वो प्लेस जहाँ पे ब्रिक्स बनाते हैं. सो हैव यू एवर सीन ब्रिक्स स्कीम, हाँ यस सम स्टूडेंट्स सीन ब्रिक्स स्कीम, कुछ स्टूडेंट्स ने देखी होंगी ऐसी ब्रिक्स स्कीम जहाँ पे ब्रिक्स बनती है. डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैप है वहाँ पे, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ब्रिक्स होती है. हाँ वहाँ पे सब ब्रिक्स ऐसे लाइन में अरेंज होती है. अगर देखी है ब्रिक्स स्कीम तो आपने भी देखा होगा. सो कैन यू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैप है, तो वहाँ पे बहुत सारी ब्रिक्स होती है. ओके देर आर मैनी मैनी ब्रिक्स स्कीम इन इंडिया, हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी ब्रिक्स स्कीम है जहाँ पे ब्रिक्स बनती है. थाउजेंड्स ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स स्कीम है. ओके मोर देन 100,000, कैन यू इमेजिन मोर देन 100,000 ब्रिक्स स्कीम हैव इन अवर इंडिया. ओके सो 100,000 नंबर, कैन यू राइट दिस नंबर 100,000, हाउ वी कैन राइट इट, हाँ 100,000. ओके सो दिस टाइप वी राइटिंग 100,000. हाउ मेनी जीरोस हैव, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जीरो. ओके दिस इज
100,000 and we also call this 1 lakh. Okay, it is also called 1 lakh. इसे 1 lakh भी हम बोल सकते हैं या तो 100,000. Okay, so this time we writing 100,000 for 1 lakh. So it is 1 lakh. Okay. Now next one here. Question have that solution we have to find. Okay. So first read what have. Bajan went to buy bricks. The price was given for 1,000 bricks. Bajan want to went to buy bricks. वो bricks लेने के लिए जाता है. And here price given. Bricks prices. Okay. The price was given for 1,000 bricks. 1,000 bricks की यहाँ पर price दिए. Now look price what have. All bricks price rupees 1,200. तो 1,000 bricks की price कितनी है? 1,200 old bricks. Okay. Then after new bricks from Intapur, its price is rupees 1,800. Okay. Then next new bricks from Brickabad, its price is rupees 2,000. Okay. So here different bricks prices given. This price is for 1,000 bricks. 1,000 bricks की प्राइस हाँ, not only one brick. 1,000 bricks प्राइस है. Okay. Then after here question have which have Bajan decided to buy the new bricks from Brickabad. He bought 3,000 bricks. How much did he pay? Now Bajan decided to buy, वो bricks खरीदने के लिए जाता है, फिर वहाँ पे जाके वो bricks देखता है, तो क्या decide करता है? Bajan decided to buy the new bricks from Brickabad. उसको कौन सी bricks चाहिए? जो Brickabad की है bricks वो चाहिए. So he want bricks from Brickabad. He bought 3,000 bricks. वो कितने bricks लेता है? 3,000 bricks. How much did he pay? तो उसने कितने पैसे pay किए? वो हमें find करना है. Okay, so here price is given and he bought bricks from Brickabad. So Brickabad bricks prices have rupees 2,000. Okay, so it is for 1,000 brick. So 1,000 bricks. Price है rupees 2,000. Okay. And Bajan want to buy 3,000 bricks. So 3,000 bricks equal to, now we have to count this both multiply and this 1,000 in divide. Okay. So 3,000 multiplied 2,000 and it's divided by 1,000. Okay. So 3,000 and 2,000 multiply and this 1,000 is in divide. Now 0, 0 cut. 1, 2 and 3, 0 cut. So 3,000 multiply 2. Means 3 2 6, 6 and 1, 2 and 3, 0 add. Okay, so 6,000 rupees. How much did he pay? So how much did he pay? He paid 6,000 rupees. Okay, so this type we have to find this answer. Okay, so first look it again. What have here some bricks prices given and this price for 1,000 bricks have. Okay, so first have new brick, old bricks rupees 1,200, new bricks from Indapur
800 rupees and new bricks from Brickabad. It is ₹2,000 hai. Okay, and Bhajan decide to buy new bricks from Brickabad. And how many bricks he want to buy? He want 3,000 bricks. Okay, so we have to find how much did he pay. उसने कितने पैसे pay किए? Okay, so he have given 1,000 bricks price have ₹2,000. So we have to find for 3,000 bricks. 3,000 bricks price equal to 3,000 multiply 2,000 and divide by 1,000. Then 1, 2, 3, 0 cut. Then 2, 3 are 6. 6 and then 1, 2, 3, 0 add. So how much rupees did he pay? ₹6,000 did he pay. Okay, so this type full question, this writing and after this solution, this all you have to writing in your maths notebook. Okay, properly in a good handwriting you all write it. Okay, now here this is the last solution of our chapter 1 have. Okay, so now here our first chapter is complete. So you all properly write it in your maths notebook in full chapter. Sums have, then some blanks have, then some patterns have. This all we done in all lecture. So what we done, that all you have to write in your maths notebook properly. Okay, so all have to complete maths notebook.